तो 45 लाख करोड़ टोटल बजट सारा हमारा 45 लाख करोड़ का एक साल में जो केंद्र की सरकार जो दे रही है, और उसका 90 लाख करोड़ भ्रष्टाचार है अलग से ही। आप ये बताओ ये देश कब तक सर्वाइव करेगा? रोज उसको कभी रोड टैक्स बढ़ा देते हैं, तो कभी टोल टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी इंश्योरेंस बढ़ा देते हैं, कभी कुछ बढ़ा देते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है, संसद में आ रहे हैं, कोई अपने कॉलेज बना रहा है, कोई अपनी उसको संस्थान को बढ़ाए चले जा रहा है, कोई अपने जितने बच्चों को अपना एजुकेटेड कर रहा है, कोई अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, कोई इंडस्ट्री लगा रहा है। ये जनता को ना, ऊपर वाले हाईएस्ट 4-5 हज़ार लोग हैं, ये ही पूरा देश को वो कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, ना किसी पे धन रहेगा। 2024 के चुनाव में कोई एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड विद एक्सपीरियंस्ड अगर आदमी नहीं पहुंचा, नहीं समझ रहे, तो ये देश की वो गति होने वाली है। आप दूसरे बराबर वाले जो देशों से सबसे तुलना कर लेना, इतनी महंगाई आने वाली है, इतनी बेरोजगारी, इतना वो आने वाला है। लेकिन मोदी जी से मैं वो तो डिबेट कर सकता हूँ, बकवासबाजी तो मेरे पे आती नहीं है। अब मोदी हैं तो मुमकिन है, मुमकिन हो तो रहा है यार, देख लो तुम महंगाई, देख लो, ले लो रोजगार, मुमकिन तो है, ये सारा ही तो मुमकिन है। रोज 5,000 किसान खेती छोड़ रहा है, और रोज 35 किसान से लेकर 55 किसान तक का एवरेज है, 35 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, एक युवा 55 युवा डेली आत्महत्या कर रहा है, जॉब नहीं मिल रही है। यार ऐसे ही देश चलता रहा कितने दिन चल जाएगा? दैनिक जागरण पढ़ा है, अमर उजाला पढ़ा है, उसमें क्या लिख रहा है सीधा, जिस देश का 2/3 बजट भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ता हो, 2/3, आप समझ रहे हैं, 75-77 साल में देश का बजट पूरे टैक्स लेके, हर आइटम पे जीएसटी, सारे जीएसटी जोड़ लिया, सारा इनकम टैक्स जोड़ लिया, सारा डीजल पे प्रॉफिट जोड़ लिया, सारे पेट्रोल पे जोड़ लिया, पूरे गैस सिलेंडर पे जोड़ लिया, इम्पोर्ट जोड़ लिया, एक्सपोर्ट जोड़ लिया, सारा एक्साइज जोड़ लिया, जितना भी टैक्स है सारा मिला के एक साल में 45 लाख करोड़ आता है। उस अखबार को आप पढ़ लेना, पूरी जनता पढ़ ले, देखो जनता हमारी विवेक है क्या कि अनभिज्ञ है, कुछ तो अनपढ़ तो है ही है। दूसरी बात, जो पढ़े लिखे हैं ना उनको भी पता नहीं, क्योंकि उनका वो फील्ड नहीं है, उन्हें पता नहीं है। अब आपने देखा, एक उदाहरण दूंगा मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं, कि देश का उस अखबार में सीधा सीधा लिखा हुआ है, पिछली साल का वो अखबार था, कि देश का $1,00,000 और वो ब्रिटेन की संस्था और हिंडनबर्ग वाली संस्था दोनों ने कंबाइंड एक सर्वे किया था। वो सर्वे में सीधा बोला गया है कि इस भारत का 82 लाख करोड़ हर साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, वो तो सरकार के पास जाता ही नहीं। अरे गले तो तुम सब कर रहे हो, गर्दन लाला के नार में माला तो सब डालना चाहते हैं, हर आदमी प्रधानमंत्री को भाग रहा है। भैया ये यहाँ इंडिया गेट पर एक ऐसा एक स्टेज लगवा लो, मोदी जी भी लगा लें, उसमें अखिलेश जी को बुलाओ, मायावती जी को बुलाओ, ममता जी को बुलाओ, शरद जी को बुलाओ, और सबको बुलाओ उसमें, और उसमें बुलाने के बाद में एक ओपन डिबेट हो जाए, जैसे क्या है अमेरिका में होती है, जैसे यूरोप के सारे कंट्रियों में होती है, जापान वगैरह में सब में होती है। तुम देख रहे हो बेटे, वो लग रहा है कि एक साल और बीत चुकी है, वो 90 लाख करोड़ के लगभग होगा, तमाम मुद्दों पे आएंगे, पहले समझ रहे हैं। तो 45 लाख करोड़ टोटल बजट सारा हमारा 45 लाख करोड़ का एक साल में जो केंद्र की सरकार जो दे रही है, और उसका 90 लाख करोड़ भ्रष्टाचार है अलग से ही। आप ये बताओ ये देश कब तक सर्वाइव करेगा? क्या देश इसीलिए बना हुआ है कि विदेश से लाके मोदी जी ने 10 साल में ले लिया, अब 12 लाख करोड़ का तो फिर अब उसमें डिमांड भेज के और भेज दिया वर्ल्ड बैंक को और उसको हमारा ब्रिक्स बैंक वगैरह को, 12 लाख करोड़ और आने वाला है अभी मोदी जी ने बताया कल ही वहाँ से, और पहले 110 लाख करोड़ पहले आ चुका है लगभग। तो एक बात बताओ, इस देश को कैसे कर्जे में डुबा के चले जाओगे? और बेशर्मी की हद तक तब हो जाती है कि जब आदमी दूसरे के पैसे को अपने में जोड़ कर इकोनॉमी को ये बता रहे हैं कि हमारी लार्जेस्ट 5th उसमें आ गई, जो हाईएस्ट 5th कंट्री है ना, तो हमारी अर्थव्यवस्था 5वें स्थान पर पहुंच गई सारे देशों में। अरे पहुंचेगी तो जब, तो तेरे पे 2 लाख करोड़ रुपए हैं और 2 लाख करोड़ तूने मेरे ले लिए, 4 लाख करोड़ तूने ले लिए, तो 3 लाख करोड़ वाले थे, तू तो मालदार हो ही गया अपने आप ही, 5वें नंबर पे तो पहुंच ही गया। लेकिन वो बैलेंस शीट में जब तुम लिखोगे उस पैसे को जो तुमने लोन में लिया है, वो अर्थव्यवस्था में क्यों काउंट कर रहे हो? तुम्हारी तो वही 2.25 लाख करोड़ ही रह जाएगी और उससे भी कम रह जाएगी, 155 लाख करोड़ घटा दो 3.25 लाख करोड़ में से, 350 लाख करोड़ हमारी अर्थव्यवस्था है, उसमें से 155 लाख करोड़ अब तक आ चुके हैं लोन पे, उन्हें घटाओ ना उसी में से, बैलेंस शीट में तो वो घटेंगे ना भाई, नहीं समझ रहे? तो तुम पे क्या बचा, तुम तो फिर 12वें 15वें नंबर पे हो गए,
ये देश को देखो, बेचारा देश इतनी इतनी उस स्थिति में पहुंचा दिया इन्होंने। हर आदमी 35 टैक्स डेली देता है, रोज उसको बढ़ाए जा रहे हैं, किसी ना किसी आइटम को जीएसटी में इंक्लूड करे जा रहे हैं, रोज उसको कभी रोड टैक्स बढ़ा देते हैं तो कभी टोल टैक्स बढ़ा देते हैं, कभी इंश्योरेंस बढ़ा देते हैं, कभी कुछ बढ़ा देते हैं। अरे यार, जो चीज़ वेस्ट होती है उसको भी जो फेंक रहा है आदमी, मट्ठा जो होती है गाँव में, हमने देखा है, मैं किसान का बालक हूँ तो वैसे इंजीनियर हूँ, लेकिन मेरे गाँव में मट्ठा भी होती है तो उसको तो हम ऐसे ही फेंक देते हैं उसमें ही, पशु उनके आगे, उस पर भी आज 4 रुपये, बताओ 1 किलो पे 4 रुपये की GST ले रहे हैं। तो इन्होंने छोड़ा क्या है? अच्छा, GST आपने ले लिए, सारे टैक्स ले लिए, वो चलो ठीक है, लेकिन आप ये तो बताओ भैया, तुम प्रधानमंत्री बनने को जो गर्दन कर रहा है आगे को, मुझे ये बता दो, मेरे देश का 90 लाख करोड़ जो भ्रष्टाचार में जा रहा है, या तो उस अखबार पर केस करो, नहीं समझ रहे, वो अखबार मेरी गाड़ी में पड़ा है, दैनिक जागरण है 15 अगस्त 2022 का, या तो उसको जेल में भिजवाओ, उसने गलत लिखा है, या वो सर्वे करवाने वाली संस्था ने गलत लिखा है, या तुम बता दो, अगर तुम्हें नहीं हाथ आ रहा तो मैं किसानों का प्रतिनिधित्व करूंगा और मैं बताऊंगा, नहीं समझ रहे, मैं बताऊंगा ये पैसा कहाँ है और कैसे कैसे हो जाता है, उसका सोर्स क्या वो है। लेकिन आगे आने वाला प्रधानमंत्री का मतलब ये नहीं है, अगर देश देश अंधा बन के चलता रहा, जाति धर्म क्षेत्रवाद गोत्रवाद अगर इसी पे वोट देता रहा तो इसको तो भुगतना खुद ही पड़ेगा। लेकिन 2024 में फिर से मोदी जी आ रहे हैं, देखो कोई नहीं आ रहा है, मोदी जी तो आ ही नहीं रहे, खैर मोदी जी का तो नाम ही छोड़ दो, इसमें तो लिस्ट में तो काट दो। अब जो आने वाले, लिख कर रख लो, नहीं नहीं लिख के तुम रख लो ना, हम बोल रहे हैं नहीं आ रहे यार, कोई 150 सीट भी पा जाए बहुत, मान लेना भाजपा को, लाल किले से मोदी जी कह रहे हैं। अरे यार, जिस देश का नहीं समझ रहे, ये ही नहीं पता उन्हें कि जो 18 करोड़ में रोड बननी थी वो 250 करोड़ में बन रहा है 1 किलोमीटर, वो ये क्या देश चला रहे हैं, नहीं समझ रहे, या तो ये मिले हुए हैं या इन ये वो हैं, ये जानते कुछ नहीं है। जिस देश का बजट ही इतना इन्होंने भाई सपो कैसे बना दिया, जिस दिन इन्होंने GST लागू किया था उस दिन 3.5 लाख करोड़ पर मंथ बोला था, अभी 1.5 लाख करोड़ छूता है बस, वो 2 लाख 2.5 लाख करोड़ का जो डिफरेंस आता जा रहा, अब 4 लाख करोड़ से ऊपर आना चाहिए था 1 महीने में, और आता कितना है बताओ ना, 1.5 लाख करोड़, वो 2.5 लाख करोड़ कहाँ है? ये कोई इनको कोई मतलब नहीं है, संसद में आ रहे हैं, कोई अपने कॉलेज बना रहा है, कोई अपनी उसको संस्थान को बढ़ाए चले जा रहा है, कोई अपने जितने बच्चों को अपना एजुकेटेड कर रहा है, कोई अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, कोई इंडस्ट्री लगा रहा है, ये जनता को ना, ऊपर वाले हाईएस्ट 4-5 हज़ार लोग हैं, ये ही पूरा देश को वो कर लेंगे, कैप्चर कर लेंगे, ना किसी पे धन रहेगा ना, और जो टैक्सेज हैं जो रेवेन्यू हैं उनमें इनका कोई योगदान होता नहीं है, क्योंकि जब जो चीज़ वो ले लेते हैं और उस पर वो अपना खुद ही बैलेंस शीट जब बनवाते हैं उसमें सारा दिखा के, लाल किले से जो भाषण दिए प्रधानमंत्री, ऐतिहासिक यार, वो कोई भाषण ऐसा था, भाषण कुछ नहीं है, अनपढ़ आदमी, देखो जितनी उनकी एजुकेशन है उसके हिसाब से उसी लेवल में उनका लेवल वही रहता है, भाषण कोई भी हो, उन्होंने जितनी योजना आज से पिछली 9 सालों में चलाई थी, कौन सी, वो गोदी में से उतरा विकास की नहीं उतरा अभी भी, जो 5-5 गाँव MP ने लिए थे, कितने गाँव हो गए अब तक, 50 गाँव, कोई भी लोकसभा ऐसी बता दे जिसमें 50 गांव विकसित हो गए हों पूरे, जिनको गोद में लिया था, गोद ले रखा है, वो 100 स्मार्ट सिटी बन गई होंगी, अब कितनी बन गई होंगी अब तक, तो स्मार्ट सिटी का बताना कौन सी बनी स्मार्ट सिटी, वो रुक जाओ, स्वच्छ भारत चलाया, कितना बन गया स्वच्छ भारत, कितना स्वच्छता आ गई, कोई आई, कोई चेंज लग रहा है तुम्हें स्वच्छता में, बात वो नहीं है, काम ये लाते हैं शुरू, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, कितने मेड इन इंडिया है, सारे तो विदेश से खरीदे जा रहे हैं, मौका और दो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी भाई, क्या नाम है बीके भाई, हमारे से मौका तो देखो हमारे हाथ में तो है नहीं, सोचना उस जनता को है, और जनता को सोचना नहीं है, जनता को अब टाइम नहीं है, देखो नेताओं पे तो टाइम है, उनकी तो मस्ती है, देखो संसद में बैठे हैं तो आराम से AC चल रहा, आराम से गद्दे पे बैठे अपने, 4 बात बोलो, 4 भको इधर से, 4 इधर को गाली दे दे, अपने चले जाओ घर जाके, नहीं नहीं यहाँ यहाँ परिवारवाद पार्टी, परिवारवाद तो देखो इनमें तो है, जब इनमें नहीं है क्या परिवार, इनका इनका मोदी जी का कोई भी तो एक भी मंत्री तो ऐसा नहीं है जिस पे जिसका लड़का या इसमें ना हो या जिनके फादर ना रहे हों, समझ रहे हो, वो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो वो बकवास करने वाली बात है, वो सब पूरा देश जानता है कि सारे परिवारवादियों को तो तुम अपने साथ ले लेते हो, परिवारवाद पे हमला उन्होंने बोला लाल किले, जब भ्रष्टाचार तुम जानते ही नहीं है, तू कैसे भ्रष्टाचार पकड़ लेगा भाई, भाई तू क्या जानता है, तू एक बात बता भाई, तू ही बता दे, तू भ्रष्टाचार किस चीज में पकड़ लेगा, तू पुल में पकड़ लेगा, तू रेलवे में पकड़ लेगा, तू मेट्रो में पकड़ेगा, तुझे यही नहीं पता चलेगा क्या क्या पकड़ लेगा, तू कोई इंजीनियर है, कोई एस्टीमेट पकड़ लेंगे, अरे दूरदर्शी है। मोदी जी पे कुछ नहीं आता, मोदी जी तो अपना देखो, अब उनका टाइम था, वो प्रधानमंत्री रह लिए, वो देश को बस माफ कर दे, क्योंकि देश अब बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में पहुंच चुका है देश, अब इससे ज्यादा, अब इससे ज्यादा पाकिस्तान और श्रीलंका अगर बनाना है, खींच खींच के अगर जनता मारे, अगर वही भला लगना है
तो वो भी काम भी जनता आपके कर देगी। अब इसको भी आप देख ले, अगर ढंग का आदमी 2024 के चुनाव में कोई एजुकेटेड और एक्सपीरियंस्ड, एजुकेटेड विद एक्सपीरियंस्ड अगर आदमी नहीं पहुंचा, नहीं समझ रहे, तो ये देश की वो गति होने वाली है। आप दूसरे बराबर वाले जो देशों से सबसे तुलना कर लेना, इतनी इतनी महंगाई आने वाली है, इतनी बेरोजगारी, इतना वो आने वाला है। देखो को तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया में बनाने, मैंने बताना दिया तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने वाले हैं, लोन ला के वहां में जोड़ दे, उसकी अर्थव्यवस्था तो बनी जाएगी अपने आप ही। तू दूसरे तो पैसा लोन पे ला के अपने दिखा दे। अरे यार बाबरे की बताओ, जिस बात को तो बनाओगे मोदी जी, नहीं तो फिर कौन, क्या वो ड्राइंग किस करने वाले? अरे मैंने बोला है ना, ओपन डिबेट करो, जिसने जो जो जिसने अपने भारत माता से प्यार करता हो, जो नेता जो पार्टी, उसको कसम खानी चाहिए इस धरती माता की कि हाँ मैं अपनी तरफ से भेज रहा हूँ। और जितने भी बर्निंग पॉइंट हैं देश के, जितने भी 12-14 बर्निंग पॉइंट हैं, देखो एजुकेशन है, देखो वो मेडिकल है, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरमेंट है, पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन है, और ये जितने भी 10-12 पॉइंट हैं बर्निंग पॉइंट हैं जो देश के, महंगाई है, बेरोजगारी है, नहीं समझ रहे, इनको सब एक एक चीज़ पर डिबेट करें। हम तो ये कह रहे हैं कि सब आओ, हमारा मकसद ये नहीं है, कोई भी जिसको भी लगता हो कोई इंजीनियर है। अब ये एक बात बताओ, जब सारे तालाब बनने हों, पार्क बननी हो, बिल्डिंग बननी हो, बांध बनने हों, कोई एयरपोर्ट बनना हो, कोई जो भी चीज बननी हो, तो वो एक इंजीनियर ही बनाता है ना, आपको पता है ना। तो महिला का अब तो मुझे 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 एक चीज बता दो, संसद में कितने इंजीनियर हैं जी, उन्हें पता क्या चलेगा? डिबेट होगी तो मोदी जी से अच्छा कौन बोल पाएगा? मोदी जी, अरे मेरी करवा दे भाई, चल तू मोदी जी को मेरी करवा दे ना यार, मैं कर लूंगा डिबेट। काय पे करेंगे मोदी जी, बता किस चीज पे डिबेट कर लेंगे मोदी जी से सामना कर पाएंगे? अरे यार किस चीज की डिबेट है, मैं अर्थशास्त्र का तो आदमी हूँ नहीं ना, मैं जो सामाजिक शास्त्र का ज्ञान है, मैं इंजीनियर हूँ, मैं पुल में बता सकता हूँ, मैं रेल का बता सकता हूँ, मैं बिल्डिंग खड़ी करवा सकता हूँ, मैं मेट्रो चलवा सकता हूँ, मैं बुलेट ट्रेन चलवा सकता हूँ, मैं चलवा सकता हूँ, लेकिन मैं इंजीनियर हूँ, 25 साल का एक्सपीरियंस है। लेकिन मोदी जी से मैं वो तो डिबेट कर सकता हूँ, बकवासबाजी तो मेरे पे आती नहीं है। अब मोदी हैं तो मुमकिन है, मुमकिन हो तो रहा है यार, देख लो तो महंगाई देख लो, ले लो रोजगार, मुमकिन तो है, ये सारा चीज़ मुमकिन है। ऐसे नहीं होता, जिस हिसाब से इस देश को चलाया जा रहा है ना, और जनता भोली है और भोली जनता का फायदा उठा रहे हो यार। अरे कम से कम इतना तो रहम करो नेताओं के, तुम्हारे बन गए यार, तुम्हारा सब कुछ स्टैंड हो चुका है, तुम्हारे सब फैक्ट्री इंडस्ट्री हो चुकी हैं। मुझे एक बात बताओ, तुम कहीं भी जाओगे, हाईवे पे जाओगे, हॉस्पिटल किसके हैं? इन्हीं नेताओं के या व्यापारियों के? अरे ये 5-6 हज़ार 10 हज़ार आदमी हैं, ये ही सारा सिस्टम अपने पास ही रख लेंगे तो ये जनता क्या करेगी? अब बताओ, देश का 90% जो धन है ये ऊपर वाले टॉप लगा लो तो इन्हीं पे है, 10 हज़ार आदमी है इन्हीं पे है, 10% में पूरी जनता है। अब 10% जब जनता, उसको भी तुम छोड़ नहीं रहे, उसको भी दे टैक्स, सुबह को टैक्स, सोता है तो सो रहा है बिजली के नीचे, सो रहा है पंखे के नीचे तो टैक्स, जग पानी पी रहा है तो टैक्स, अरे बाहर निकल रहा है तो टैक्स, अरे कितना टैक्स लोगे? 35 टैक्स एक दिन में दे रहा है वो, और 55 टैक्स और दूसरा दे रहा है, मतलब कोई अगर बाहर निकल के जा रहा है, कोई काम धंधा करने जा रहा है। तो ये एक बात बताओ, जब ऐसे ही किसान रोज 5,000 किसान खेती छोड़ रहा है, रोज 35 किसान से लेकर 55 किसान तक का एवरेज है, 35 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है, एक युवा 55 युवा डेली आत्महत्या कर रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, यार ऐसे ही देश चलता रहा कितने दिन चल जाएगा? ये तो लगाओ आप, ये जनता को सोचना पड़ेगा भाई। और ये जनता, मैं तो मेरा तो अब इतना मुझे इतनी झुंझली आती है, मुझे तो रात भर भैया नींद ही नहीं आती कि जिस देश का 2/3 पैसा भ्रष्टाचार में चोरी हो रहा है तो वो देश कैसे सर्वाइव कैसे चलेगा यार? वो तो ज़्यादा दिन चलने वाला है नहीं। हम तो भैया एक आंदोलन बड़ा खड़ा करेंगे, हम मेरा तो भगत सिंह के यहाँ से लेके कोई भी मुझे थोड़ा चांस मिलेगा तो मैं एक रथ यात्रा और पूरे भारत में अवेयर जरूर करूँगा, जनता को सचेत करके आऊँगा।